नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ इंडियन एयर फोर्स की जो वैकेंसी निकली गई है उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। भारतीय वायुसेना में जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें मेरी इस वीडियो के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जानकारी देने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं भारतीय वायुसेना 2017 जिसमें की वैकेंसी निकली हुई है। मैं अब बताने जा रहा हूं आपके लिए इसमें जो भर्ती है वो कहाँ पर होने जाएगी। जो इसमें भर्ती रहेगी वो लाल परेड मैदान भोपाल में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है, जिसमें कि वहाँ से आपको एक टोकन प्राप्त होगा और टोकन प्राप्त उम्मीदवार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में। इसमें आपका जो जन्म है वो 13 जनवरी 1998 से 27 जून 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बताने जा रहा हूँ इसमें जो लंबाई है वो कितनी मांगी गई है। इसमें लंबाई मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और जो इसकी दिनांक है भर्ती दिनांक वो है 27 व 30 अगस्त 2017। अब बता देना चाहता हूँ इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जो मध्य प्रदेश के पात्र जिले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जो 27 अगस्त 2017 को जो भर्ती है उसमें धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, रायसेन, राजगढ़, सतना, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा, उज्जैन के जिले वाले समस्त विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करता हूँ जो 30 अगस्त को भर्ती है उसमें आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर, मंडला, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, उमरिया और सीहोर, ये पात्र जिले के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसमें अभ्यर्थी के पास केवल 10वीं या 12वीं के समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ वे 50% अंकों व अंग्रेजी के विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। अब बात करता हूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या मांगा गया है। इसमें लिखित परीक्षा में अंग्रेजी और तर्कशक्ति तथा सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे। सेकेंड भाग में इसकी 81st अनुकूल परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल हुए प्रत्यार्थियों को अनुकूल परीक्षा देनी होगी। थर्ड में आएगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। लिखित परीक्षा व अनुकूल परीक्षा के पास होने वाले सभी प्रत्यार्थियों को उसी दिन या अगले दिन PFT देना होगा। PFT में 1.6 किलोमीटर दौड़ शामिल है जो 7 मिनट में पूरी करनी होगी। प्रत्यार्थियों को PFT में क्वालिफाई करने के लिए 10 पुशअप, 10 सिटअप तथा 20 उठक बैठक भी पूरी करनी होगी। अब इसमें फोर्थ जो इसकी टर्म्स में वो 82 अनुकूलन परीक्षा सेकेंड और चिकित्सा यानी कि मेडिकल एग्जाम होगा इसमें आपका फिटनेस टेस्ट, वो जनवरी 2018 में होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसमें किस प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको उस समय वहाँ पर रैली में ले जाना जरूरी है, तो आप ध्यान से इसको सुनिए। इसमें 7 पासपोर्ट आकार के रंगीन नवीनतम फोटो, 2 सफ़ेद रंग के 26x12 सेंटीमीटर साइज के लिफाफे, 10वीं कक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल एवं इसकी प्रतिलिपि, 12वीं या समकक्ष परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट हो तो आप वह भी ले जा सकते हैं, मूल निवासी, सभी दस्तावेजों के मूल ओरिजिनल प्रति एवं 3 स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी, रबर पेंसिल पेन अवश्य लाएं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रदान किया गया है तो वो भी आप इसमें ले जा सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ भर्ती रैली में आवेदन पत्र आवश्यक नहीं है। सेवारत, सेवानिवृत्त एवं मृत वायुसेना कर्मिकों के पुत्र भी पात्र हैं। वर्षते की माता या पिता उपरोक्त जिले में स्थित यूनिट में कार्यरत हो या मूल निवासी हो। भर्ती रैली केवल अविवाहित युवकों के लिए है। दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए थी, तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको
इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर कुछ जानकारी अगर आपको और अधिक चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना की वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से कि आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो किस प्रकार पसंद आया कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।